नमस्ते, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले सभी प्रमुख पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की विवादित बयानबाजी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी के दावे कर रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अपने दावे पर कर रही है। वहीं राजनीतिक दलों के दावे के बीच वोटिंग से 4 दिन पहले टाइम्स नाउ IPSOS का पोल सामने आया। आइए जानते हैं इस पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिल सकती है अधिकतम 60 सीटें। टाइम्स नाउ IPSOS के पोल के मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। पोल में अनुमान लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी 70 में से 54 से 60 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि भाजपा 10 से 14 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रह सकती है। कांग्रेस की बात करें तो इस पोल के मुताबिक पार्टी को अधिकतम 2 सीटें मिल सकती है। वहीं बसपा को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 3 सीट पर जीत मिल सकी थी, जबकि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इस बार कांग्रेस को मिल सकती है 0 से लेकर 2 सीटें। और दिल्ली में कांग्रेस ने सीएम पद के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वोट शेयर की बात करें तो IPSOS के इस पोल ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी से 34% के मुकाबले 52% वोट शेयर कर दिया है, यानी आप बीजेपी पर 18% वोटों की बढ़त बना सकती है। ये वोट शेयर 2015 के विधानसभा चुनाव में मामूली बदलाव दर्शाते हैं। इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 2.5% वोट का नुकसान होगा, जबकि भाजपा को 1.7% वोट का फायदा होने का अनुमान है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत।